देश सरकार किसान हितेशी सरकार बताई जा रही है, लेकिन नहर में खंदी कटने से कई गांव के किसानों की भूमि पर खड़ी फसलें जलमग्न हो जाने के कारण नष्ट होने की कागार पर हैं, जिसकी शिकायत करने के बावजूद अभी तक किसान हितेशी संबंधित अधिकारी उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं और ना ही नहर की खंदी को बंद करवाया गया है, जिससे कई गांव के किसान आगे आने वाले समय में भुखमरी की कागार पर हो जाएंगे। गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, ना निकलने का रास्ता है और ना ही फसलों को बचाने का उपाय। आपको बता दें कि जनपद मैनपुरी में कानपुर ब्रांच की बहने वाली लोहार गंगा नहर में दो दिन पूर्व चार जगह अचानक खादी लगने से विकासखंड बरनाहल और मैनपुरी के नगला बूचा, नगला हरी सिंह, नगला मुकुट, गंगासी, अकबरपुर आदि कई गांव जलमग्न हो गए हैं। किसानों की हजारों बीघा भूमि पर खड़ी गेहूं, सरसों, आलू आदि मौसमी फसलें नष्ट होने की कागार पर हैं। आरोप है कि राजस्व कर्मचारियों के द्वारा रजवाहा झालोक में जाने वाले पानी को रोक दिए जाने से नहर में उबाल आ गया, जिससे नहर में चार जगह खाली लगने से कई गाँव की फसलें चौपट हो गई है, जिसकी शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक खंडी को बंद नहीं किया गया है और ना ही कोई संबंधित अधिकारी इन पीड़ित किसानों की सुध लेने के लिए मौके पर पहुंचा है। अब सवाल उठ रहा है कि जिन किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं, उनको आगे आने वाला जीवन यापन कैसे होगा? किस तरह से मौजूद किसान अपना दर्द बयां कर रहे हैं? मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। किस गाँव के हो? यहाँ इकट्ठे होके क्यों आए हो? खंदी कट गई है, पानी सब जल पीड़ित है भाई, खेत सब चले गए, गांव पानी जा रहा हुआ। कितने बीघा खेती कम से कम 1500 बीघा जमीन में नुकसान है, आप मौके पर देखा जाए। कितने गांव ऐसे पीड़ित हैं इसमें? इसमें चार पांच गांव है। कौन कौन से? नगला हरी सिंह, नगला मुकट, अकबरपुर, सब आस पास है, गाँव सब पीड़ित है, जल से जल भरा हो गया है, फसल नष्ट हो गई, गाँव पानी जा रहा हुआ। पहुंचा है अभी? कोई नहीं। आपने सूचना की थी? अरे नहीं सर, नंबर ही कैसे किया, कोई मालूम ही नहीं हम लोगों ने, कहा फोन नंबर कैसे आई थी, आदमी नंबर ही नहीं, मालूम नहीं, फोन नंबर नहीं, नंबर लिखा तो नहीं आया, फोन पे कह रही रही है एसडीएम साहब को, आपने दो गए। ये गांव में और गांव के बाहर पानी भरा है, ये पानी कहां से आया है? ये नहर का आया है सर। कैसे आया है नहर? ये खंदी कटी है चार। अच्छा। और नहर आगे चल के रोक दें, बम्बा और ये जाल आ लें, ये रोक देंगे। कितनी खेती इसमें जलमग्न हुई हुई, कितनी खेती नष्ट हुई? हजार वही है सर, और आलू पालू गेहूँ वेहूँ सरसों सभी चले गए हैं सर। साहब जी, हम नंगला हरी सिंह से राम जान के बोल रहे हैं, हमारी इतनी खेती सारी सब बर्बाद होगी, गेहूं की फसल और सरसों का कारण है, जैसे नहर का पानी ओवर हो गया, चार चार खंदी कटी हुई है, पानी बंद होने की वजह से नहर का पानी उबाल देने लगा तो गांव में भी आ गया, हमारी भैंसे पोए सब दुखी हैं, बता हम क्या करें साहब जी, हमारे बच्चे भी दुखी, घर पर सभी दुखी हैं, रात के 10 बजे तक पति और बच्चे सब गांव सब गए नहर पे, फिर भी पानी रुका और नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोगों पर इतनी कोई सुविधा नहीं कि पानी बंद कर ले सर। क्या नाम है आपका? मनोज। ये बताओ, ये गांव में बाहर खंदी कटने की वजह से किसान हो और जब फसल ही नष्ट हो गई है तो कैसे जीवन यापन होगा? हमारी जो ओवर चलाया गया है और जो राजवा है और जो झाल है वो बंद कर दी गई है, इस वजह से ही हमारे गांव में पानी आया है। हालांकि ये जो बरसात हुई थी उससे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जो और पानी चला है नहर में, इस वजह से ही हमारा सारी जमीन 1000-2000 बीघा या इससे भी अधिक है, इसका हमें अंदाज़ा नहीं है कितनी ज़मीन हमारी बर्बाद हो गई है। सारे किसान हम लोग सब परेशान है, अब हमारे पास हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि अब हम क्या। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज, राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।